गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ दी सीएफजी ग्रामर का, जो कि हमने प्रीवियस टू टॉपिक्स में, प्रीवियस टू वीडियोस में दो टॉपिक डिस्कस करे हैं, रिमूवल ऑफ दी यूजलेस सिंबल। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करा है रिमूवल ऑफ दी यूनिट प्रोडक्शन, एंड टूडे इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस द रिमूवल ऑफ दी नल प्रोडक्शन। एंड नल प्रोडक्शन इज डिनोटेड बाय दी एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन होंगे वो हमें रिमूव करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हमें रिमूव, हाउ टू रिमूव, जहां जहां हमारे नल प्रोडक्शन है, जिस भी जो भी प्रोडक्शन में हमारा नल प्रोडक्शन आ रहा है, जैसे कि ये है टेंस एप्सिलॉन, हम इन टर्मिनल्स को रख के अपनी एक नई ग्रामर जनरेट करेंगे और उन नई ग्रामर को हम एड ऑन करते जाएंगे जितनी भी हमारी ग्रामर जनरेट होंगी। तो मैं आपको ये तरीका बताती हूँ हाउ टू रिमूव दी नल प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन को कैसे भी करके हटाना है और हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हमारी ग्रामर है, एस टेंस टू ए बी ए सी, ए टेंस टू ए एप्सिलॉन, बी टेंस टू बी बी एप्सिलॉन, सी टेंस टू सी। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले देखिए ए टेंस टू एप्सिलॉन है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ए टेंस टू एप्सिलॉन, तो हमें ए टेंस टू एप्सिलॉन को जहां जहां सोर्स ग्रामर में ये जो भी प्रोडक्शन होंगे वहां हम एप्सिलॉन रख के देखेंगे वन बाई वन। अब देखिए सबसे पहले यहां पर रख के देखते केवल ए के पर, केवल ए के पर हम ये प्रोडक्शन रख के देखेंगे। पहले तो हम एज इट इज लिख लेते हैं अपनी ग्रामर को, ए बी ए सी। अब ए के पर हमने एप्सिलॉन रखा तो हमारा क्या आ गया, बी ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वाले पहले हमने इस पर एप्सिलॉन रखा क्योंकि हमारे दो प्रोडक्शन है, दो नॉन टर्मिनल सिंबल है, कैपिटल ए, तो दोनों कैपिटल ए पर हमें अलग अलग रखना होगा। अब इसको देखिए, अब यहां रखेंगे, इस पर नहीं रखेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रामर्स में हमेशा दोनों के मीनिंग्स अलग अलग होंगे, कोई भी मीनिंग सेम नहीं होता है कोई भी ग्रामर जनरेट हो। तो यहां आया बी ए सी और ए बी सी। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी चीज देखनी है, दोनों ए पर रख के देखते हैं, तो दोनों ए पर अगर हम एक साथ रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सिर्फ हमने ए पे काम किया है। अब देखिए ए टेंस टू ए ए, ए टेंस टू ए, ये अपनी लैंग्वेज है ए ए, और जब हम एप्सिलॉन हटा देंगे और एप्सिलॉन को हम ए की जगह रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा, समझ आ रहा है फ्रेंड्स, ए की, ए का खुद का प्रोडक्शन भी एप्सिलॉन है तो हमें इसमें भी रखने की जरूरत है। तो ए किसका खुद का प्रोडक्शन है, ए ए, और इस नल को अगर हम ए के पे रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बी, बी का देखिए बी बी, अब देखिए जहां जहां बी है वहां हमें एप्सिलॉन रखना है इसी वाली लैंग्वेज में, सोर्स लैंग्वेज में। तो देखिए बी केवल ए की जगह है तो हमारा जो लैंग्वेज क्रिएट होगा वो होगा, ग्रामर जो क्रिएट होगा वो होगा ए ए सी, जब हम बी पे रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें दूसरी चीज करनी है, अब हमें करनी है केवल इस ए बी पर हो, केवल इस ए पर एप्सिलॉन हो और इस बी पर एप्सिलॉन हो तो हमारी जनरेट होगी लैंग्वेज ए सी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी बी पर हो और इस ए पर हो तो हमारी जनरेट तब भी ऐसी होगी, दोबारा समझिए, अगर इस ए बी पर होगी तब भी ऐसी होगी और अगर इस ए बी पर होगी तब भी ऐसी होगी। अब इन तीनों पर एक साथ हो, दोनों ए पर और इस बी पर, तो हमारी जनरेट होगी केवल बी, सॉरी सी। ठीक है फ्रेंड्स, और बी का जब प्रोडक्शन करेंगे और बी की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो हमारा आ जाएगा केवल बी, और सी के साथ हमारा एप्सिलॉन नहीं है तो हमारा सी के साथ प्रोडक्शन हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, बी सी ए ए सी और ए सी और सी, ये इसके इतने प्रोडक्शन है एस के, ये प्रोडक्शन है ए के, ये प्रोडक्शन है बी के और ये प्रोडक्शन है सी के। तो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हाउ टू रिमूव दी नल प्रोडक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन हम इसका लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, तो वही सेम थिंग्स हम करेंगे। यहां पर देखिए केवल एक एप्सिलॉन है, एक्सटेंस टू एप्सिलॉन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, एस टेंस टू ए एक्स बी ए वाई, ये ग्रामर तो सेम रहेगी फ्रेंड्स। अब देखिए एक्स टेंस टू एप्सिलॉन है तो जब हम एक्स टेंस टू एप्सिलॉन रखेंगे तो केवल ए की प्रोडक्शन है, एप्सिलॉन रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्स टेंस टू एप्सिलॉन है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें एक्स टेंस टू वाई रख देंगे और एप्सिलॉन हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है वाई टेंस टू बी एक्स,
ये भी हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहां पर कोई एप्सिलॉन का जनरेशन ही नहीं हो रहा है, कोई एप्सिलॉन। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपको ये भी कंसीडर करना होगा, देखिए एक्स टेंस टू वाई है और वाई टेंस टू फिर से एक्स है। देखिए फ्रेंड्स दोबारा से ध्यान दीजिए, एक्स टेंस टू वाई है और एक्स टेंस टू एप्सिलॉन भी है, लेकिन वाई टेंस टू एक्स भी तो है। तो यानी कि अगर वाई टेंस टू एक्स है, आप समझिए इसमें दोबारा से समझिए, x टेंस टू y है और y टेंस टू x है और x टेंस टू एप्साइलन है, तो y टेंस टू एप्साइलन भी प्रोडक्शन में होगा ही होगा। दोबारा समझ लीजिए, x टेंस टू y है और x टेंस टू एप्सिलन भी है, तो जब हम x टेंस टू y लेंगे तो y टेंस टू x भी तो लेंगे, जब y टेंस टू x लेंगे और x टेंस टू एप्सिलन है तो y टेंस टू एप्सिलन भी होगा। तो जब यहां पर केवल हमारा सोर्स सिंबल में एक ही y है, ठीक है फ्रेंड, तो उस वाई की जगह हम एप्सिलॉन रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा ए और ए। तो ये हमारा रिमूवल ऑफ द नल प्रोडक्शन है फ्रेंड। नल प्रोडक्शन को हटाते जाएंगे और जो भी हमारी जनरेट होती जाएगी लैंग्वेज उसको हम एड ऑन करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये भी आपको समझ आया होगा और इस वीडियो की हेल्प से आप आगे के क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।